चलिए, जो लोग लेट आते हैं उनको थोड़ा सा पता भी चलना चाहिए। हम लोग अभी से जल्दी करते हैं तो सभी लोग टाइम भी आएंगे फिर। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ अंकल, आ रही है आवाज। हाँ, इनको अनमोल को अनम्यूट कर दीजिए। ये हाँ, कर कर दिया दिया। मैंने। हाँ चलिए, तो जल्दी शुरू करेंगे, फिर सभी लोग जल्दी आएंगे। यदि हम लोग लेट करते जाएंगे तो ऑलरेडी पूजा चल रही है अंकल, स्टेज पे पूजा ही चल रही है। फिर ऑलरेडी स्टेज पे पूजा ही चल रही है। तब अनमोल, मैंने पहले अनम्यूट कर दिया था अनमोल जी को। हाँ जी, हाँ जी, चलिए रिकॉर्डिंग चलो। आदिनाथ भगवान की जय। चलो पार्शनाथ भगवान की जय। हाँ, तैयारी कर लीजिए। आप लोग हो गई तैयारी? नमो अच्छा। चलो पार्शनाथ भगवान की जय। जयजापुर के पार्शनाथ भगवान की जय। द्रव्य अनल्प घन सा चतुरा समादे रामोद मिश्री कृतिन पैसाम जिन पूर्ण पानम त्रैलोक पावन महम स्पनम करोमि। ओम श्रीमंतम भगवंतम पाल संतम प्रतिवादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवा माद्याना मादे जम्बू दीपे कर क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते बैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चिंतितालय मध्ये आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे चौदस्याम दिन गुरुवार दिन शुक्रवासरे दिन शुक्रवासरे सुबह 7 बजे मुनि आर का श्रावक शाम सकल कर्म काम सुगंध जल अभिषेक करोमी। दूरा बना मृतुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणा छवि दूराग्रिम सफेद ताप मल मोक्षिमपि प्रकर्षे भक्त्या जलैर्जिन बहुधा निषिञ्जे। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल सन्तं प्रतिपादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवा माद्याना मादे जम्बू दीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देशे मत प्रांते महाराष्ट्र प्रांते बैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चिंतितालय मध्ये आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे चौदस्याम तिथि दिन शुक्रवासरे सुबह 7:15 बजे मुनि आर का श्रावक साहब का नाम सकल बिल्कुल कर्म जल अभिषेक करोमी स्वाहा। ते मनोरथ सतै विभव पुंसा उन्हें सुवर्ण कलशे निखिलाम्ब सानाम संसार सागर विलंगन हेतु अपलाभये त्रभुवनेक पतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल सन्तं प्रतिपादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवा माद्याना मादे जम्बू दीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देशे मध्य महाराष्ट्र प्रांते बैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चिंतितालय मध्ये आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे चौदस्याम दिन गुरु शुक्रवासरे मुनि अर्का श्रावक साहब का सकल कर्म चाहतम चतुष्कलश जलाभिषेक करोमि स्वाहा। चंदन तांदुल पुष्प अभिषेक महम्य। ओम श्री चिंतामणि
अभिषेक करना है जी अजी। हाँ लघु शांति धारा जल्दी से कर ले, दो मिनट में। ठीक है ले। शांति धारा से सभी को शांति मिलती है जब तक और लोग भी आ जाएंगे। हाँ जल्दी से करेंगे हम लोग। हाँ एक मिनट। हाँ ओम नमो हरन्ते भगवते श्रीमते श्री पार्थितंकराय द्वादश गण परिवेष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीराय त्रिलोक बंत कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धनंत प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आर्का श्रावक साहब का प्रमुख चतु संगोप सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपादम छिन्छिन्दे मृत्यु अतिकामाम अतिकामाम रोदाम अग्निम सर्वतत्रोम सर्गम सर्व विग्रम सर्व भयम सर्व राज भयम सर्व चोर भयम सर्व पुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्व मात्म चक्र भयम सर्व परमंत्रम सर्व सूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व पुष्ट रोगम सर्व फूल रोगम सर्व नर मारीम सर्व गज मारीम सर्व मांस मारीम सर्व गो मारीम सर्व महिष मारीम सर्व धान्य मारीम सर्व वृक्ष मारीम सर्व फूल मारीम सर्व पत्र मारीम सर्व पुष्प मारीम सर्व फल मारीम सर्व राष्ट्र मारीम सर्व देश मारीम सर्व विश्व मारीम सर्वे चाल साकनी भयानी सर्वेद्यम सर्व मोहिनियम सर्व कर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौर शांति सौर वीर शांति कुरु कुरु सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम गेट कर नगर केट करवट मट पत्तन दौड़ मुख सम्मानंदनम कुरु कुरु सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु देशानंदनम कुरु कुरु सिमानंदनम कुरु कुरु महानंद दे दे पचपच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुकुत त्रिलोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम् अभ्यम क्षेमारोग्यम स्वस्ति रस्तुते तिमस्तु कुटकुटदत्तान् सदास्तु पदम प्रभु चंदा प्रभु वासुपूज्य मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पदान शीतलनाथ मुनिशोभितनाथ नैमिनाथ पार्श्वनाथ देव्यो जिनेभ्यो नमः इत्तेन मंत्रेण नवग्रहाणां गंधोदक धारा वर्षणम्। ओम नमो अनन्ते भगवते श्रीमते नहीं संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतिमितानां तपोवितानां शांतिनाथ शांति धारा करोमि स्वाहा। ओम नीम श्री क्लीम
त्रिभुवन पते शांति धारा उपरांत अर्घम निपामिति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। सभी लोग घंटों तक अपना अपना भाव से घंटों तक बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। हम तो अपने अनुष्ठान की ओर चलेंगे। चैताभारं वासं चक्रवर्ती महीडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणोत्तरम पत्तो गई मणोत्तरम। पंच परमिष्टि को सत्सत वंदन, पार्श्वनाथ भगवान को कोटि कोटि नमन, आराध्य को वंदन, उपस्थित सभी साधक डॉक्टर अर्चना जी जैन, विनय जी जैन का संगम फाउंडेशन की ओर से तहे दिल स्वागत करती हूँ और विनम्र निवेदन करती हूँ अर्चना जी से आज का अनुष्ठान प्रारंभ करें। बोलिए 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी को जय। जिन्हें जितने भी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत स्वागत है सभी का इस अनुष्ठान में संगम हीलिंग सीरीज के। संगम फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स हैं नीरज जी सुराना तथा पूरे साथीगण उनके सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज संगम हीलिंग सीरीज का 33वां दिन 33। सोचिए एक महीने से ऊपर होगा आज 33वां दिन है जो कि पुष्प वृष्टि प्रातिहारी का वर्णन यहाँ आएगा। और यह किसी भी प्रकार की ज्वर किसी भी प्रकार का बुखार मलेरिया डेंगू आदि उसके लिए काम आता है। हम दो पद से शुरुआत करेंगे। हम दो पद शुरू करेंगे तांबर के। भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभान मुद्योदकं दलित पाप तमो वितान सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालं मलं भव जले पतताम जनाना। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुतभूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथे स्तोत्रै जगत त्रितय चित हरे रुदारे स्तोषे किला हम पितम प्रथम रिने। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। अभी हम लोग एरोबिक्स करेंगे। एरोबिक्स लगा दीजिए। इसमें हमारा जो है पहला स्टेप अरिहंत भगवान को 5000 धनुष ऊपर हमें नमस्कार करना है नमोस्तु करना और उसके बाद हमें अपने दोनों हाथों को सर पे रखना है ऐसे माथे पे मंत्र के समय। तीसरी बार में हमें अपने न्यूरॉन्स एक्टिवेट करना है। मैं
मंदार सुंदरन मेरु सुपारि जात संतान कादि कुसुमोत कर वृष्टि दूता गंधोद बिंदु सुब मंद मरुत पाता दिव्या दिवा पतति ते वच संततिर्वा मंदारे सुंदरन मेरु सुपारि जात संतान कादि कुसुमोत कर वृष्टि दूता गंधोद बिंदु सुब मंद मरुत पाता दिव्या दिवा पतति ते वच संततिर्वा मंदारे सुंदरन मेरु सुपारि जात संतान कादि कुसुमोत कर वृष्टि दूता गंधोद बिंदु सुब मंद मरुत पाता दिव्या दिवा पतति ते वच संततिर्वा मंत्र ओम रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा मंत्र ओम रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा मंत्र ओम रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा रिद्धि ओम रीम अरं नमो सवो सै पत्ताणं झोम झोम नमः स्वाहा रिद्धि ओम रीम अरं नमो सवो सै पत्ताणं झोम झोम नमः स्वाहा रिद्धि ओम रीम अरं नमो सवो सै पत्ताणं झोम झोम नमः स्वाहा बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अभी कार्ड लगा दीजिए और हम इसके अब मीनिंग समझेंगे। 33 नंबर जो कि पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य के लिए है, इसे हम पढ़ते हैं। सभी लोग पढ़ेंगे हाथ जोड़ के। मंदारे सुंदर नमेरु सुपारि जात संतान कादि कुसुमोत कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु सुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वच शांत तीर्वा। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत कर वृष्टि रुद्धा। ये पांच प्रकार के कल्प वृक्ष है और ये पांच प्रकार के फूलों की वर्षा होती रहती है। देखिए पहले एनिमेशन आपको दिखा देते हैं। एनिमेशन दिखा दीजिए, उसमें आपको समझ में आएगा किस प्रकार से पुष्प वृष्टि हो रही है। Thank you.
देखिए इसमें कहा जा रहा है, मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत कर वृष्टि रुद्धायने। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात और संतानिकादि पांच प्रकार के कल्प वृक्ष से आपने देखे ऊपर से पुष्प वृष्टि हो रही थी। ये जो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं मानतुंगाचार्य, हे सुमणेश्वर, सुमण याने फूल, तब उनको क्या कहने लगे, एक नए शब्द से संबोधित कर रहे हैं, हे सुमणेश्वर, हे अमृत वर्षिणी। अब अमृत वर्षिणी भी क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ दो चीज है। तीसरी लाइन में क्या आया देखो, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, पुष्प वृष्टि के साथ गंधोद बिंदु, क्योंकि जो पुष्प वृष्टि हो रही है उसमें जल भी एक एक बूंद आ रहा है, इसलिए उसको क्या माना है, गंधोदक, जो हमने भगवान का अभिषेक किए और जो जल रहता है उसको गंधोदक कहा जाता है। तो वही गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता सुगंधित जल की बूंदों के साथ धुली हुई जो शीतल सुरभित मंद समीर है, समीर यानी हवा, मंद मंद समीर यानी मंद मंद हवा भी चल रही है, उसके झोंकों से स्वर्णिम सुमनों की वर्षा ऐसे प्रतीत हो रही है मानो आपकी वचनावली पंक्तिबद्ध होकर धरती पर फैल रही है। वो पुष्प वृष्टि जो आपने देखे, वो पुष्प वृष्टि जो हो रही है, वो ऐसा लगता है कि जैसे आपके मुख से वचनबद्ध पंक्तियां ही धरती पर फैल रही है, ऐसा यहाँ पर महाराज मानतुंगाचार्य जी कह रहे हैं। वे जो उत्कृष्ट फूल ऊर्ध्वमुखी होते हैं, ये जो होते हैं ये ऊर्ध्वमुखी यानी ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर इनका मुख होता है, ये जो पुष्प होते हैं उसके, और जो समोशरण की पावन भूमि में मंदार सुंदर नमेरु पाचित पारिजात संतानक नाम के कल्प वृक्षों से निरंतर झड़ते रहते हैं, इसलिए इसे कहा है पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य। और उसमें गंधोदक भी साथ में बताया, दो विशेषता बता दी, एक गंधोदक वृष्टि बता दी और दूसरी पुष्प वृष्टि बता दी, क्योंकि उसके साथ झरझर थोड़ा जल भी है एक एक बूंद और हवा भी चल रही है सुमेरु नमी यानी भगवान के समोसरण में सुगंधित जल की मंद मंद वृष्टि के साथ जो पांच प्रकार के कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्पों की वृष्टि हो रही है उसे देखकर आचार्य महाराज प्रभावित हो गए और उनने अपना चिंतन बढ़ा दिया, अपना चिंतन बढ़ा दिया। और चिंतन में क्या रच दिया उनने, अपने चिंतन में रस दिया कि आकाश से बरसते हुए पुष्प मंद पवन के झोंकों से हिल रहे हैं और वो ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे तीर्थंकर के मुख से वचन रूपी दिव्य पुष्प बरस रहे हैं। पुष्प वृष्टि भगवान का प्रातिहार्य है, पुष्प की दोनों विशेषताएं को अपने जीवन में उतारना है। देखिए पुष्प वृष्टि एक खिलना और दूसरा खिलाना, पुष्प खुद तो खिलता ही है पर दूसरों को भी खिलाता है। पुष्प देखते से हमारे चेहरे पर एक अलग सी चमक और मंद मंद खुशी भी हमारे होठों पे आ जाती है। तो खिलना और खिलाना और महकना और महकाना ये बहुत भारी गुण है पुष्प के। तो हमारे जीवन में भी ज्ञान का पुष्प तो खिल चुका है, अब मात्र आचरण की सुगंध से उसे महकाना है। ज्ञान का पुष्प खिलाना है और उसे सिर्फ खिलाना नहीं है, आचरण में लाना है। तो आचरण की सुगंध से उसे क्या करना है, महकाना है, विचार करना, सोचना कि संगी पंचेंद्रिय पुष्प बनकर, अभी जो हमारी पर्याय है कैसी है, संगी पंचेंद्रिय पर्याय है, संगी पंचेंद्रिय पुष्प बनकर यदि हम नहीं महके, जो हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये संगी पंचेंद्रिय कितनी दुर्लभता से मिलती है। कल शाम का अपना यही सब्जेक्ट है कि कितनी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, कल शाम को सभी को अटेंड करना है, कल 8 से 10 यही यात्रा होंगी अपनी संसार भ्रमण की पूरी। तो हम कैसे मनुष्य पर्याय तक पहुंचे हैं ये हम कल आपको बताने वाले हैं। तो कैसे, तो महक, यदि हम ये पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय बनकर, यदि पुष्प बनकर नहीं महके, नहीं महक पाए, तो कभी नहीं महक सकते।
जो हमने ये भी पंचेंद्रिय मनुष्य इतनी दुर्लभ पर्याय कितनी मुश्किल से मिली है हमें, जिस प्रकार चना भूसते हैं और चना उचट के खाद बाहर चल जाता है या दो चार बाहर उड़ते हैं, इस प्रकार से कितना साथी से पुण्य करे होंगे कि जो हमारा हेडक्वार्टर है निगोद वहां से हम निकल के आए और अब भी हम पंचेंद्रिय पुष्प बनकर नहीं महके, तो फिर यह जो हमें सामग्री मिली है इतना अच्छा समागम, देव गुरु शास्त्र का समागम, इतना अच्छा अभिषेक देखने मिल रहा, निरोगी काया, इंद्रियों की पूर्णता, सन समागम, ये जो भी हमें अंतरंग बहिरंग पुण्य रूप सामग्री प्राप्त हुई है ये सारी काल के थपेड़े में एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसलिए संभल जाओ, संभल जाओ, अपने आप को संभाल लो, अब भी संभल जाओ, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अब भी संभल जाओ और अपने आप को महका दो। ये जो समय है मनुष्य पर्याय, ये कर्म बंधन के लिए नहीं है अन्याय नीति करके, ये कर्म निजरा का स्थान है मनुष्य पर्याय जो है, ये तुम्हें खिलना और महकने का अवसर प्राप्त हुआ है। यदि यहाँ नहीं महक पाए तो हम इन कागजों के, प्लास्टिक के अथवा वस्त्रों के पुष्पों के समान सारी ही बेजान पुष्प समझे जाएंगे। कैसे पुष्प समझे जाएंगे? बेजान। ध्यान रखना, आप इन सब जो कागजों के और प्लास्टिक के समान नहीं हो, परमात्मा के समान स्वयं आपको महकना है। ध्यान रखना, हम ये कागज के पुष्प नहीं है, प्लास्टिक के पुष्प नहीं है, हम परमात्मा के समान ही पुष्प है और हम भी महक सकते हैं। जो गुण परमात्मा में है वो गुण हम में भी है, जो परमात्मा का पास्ट है वो हमारा आज फ्यूचर है, और जो परमात्मा का आज फ्यूचर है वो परमात्मा का जो आज वर्तमान है वो हमारा फ्यूचर है, जो परमात्मा का प्रेजेंट है वो हमारा फ्यूचर है, यानी फ्यूचर में हम भी भगवान के जैसे सुंदर और परमात्मा बन सकते हैं, हम भी महक सकते हैं, हम सभी को महकना है। ऐसे आचरण की सुगंध से सुगंधित होने वाले महान पुष्प बनकर अपने जीवन को सभी लोग सार्थक करें। इसी भावना के साथ 33 नंबर श्लोक का मैंने प्रयास किया अर्थ बताने का, अब आगे हम चलेंगे इसकी मंत्र की ओर। कल्पवृक्ष के नाम फिर से बताओ। पांच कल्पवृक्ष के नाम है, मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात और संतानिकादि। ये जो है ये कल्पवृक्ष से निरंतर पुष्पों की वृष्टि होती रहती है, सुगंधित सुगंधित, और उसके साथ थोड़ा जल भी रहता है, इसलिए कहा है गंधोद बिंदु, एक एक बूंद जल की भी। सुभमंद मरुत प्रतापा दिव्या दिवा पततिति वचसाम ततीर्वा, वचसाम यानी वचन, ततीर्वा समझ। चलिए आगे चलेंगे मंत्र की ओर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। यहाँ पर क्या बता रहे, ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय। ओम ह्रीं श्रीं आपको पता ही है, हम रोज ही बता रहे हैं। क्लीं ब्लूं आदि बीजाक्षरों से निर्मित यह मंत्र ताप ज्वल नाशक तो है और दुर्जनों को वश में भी करने वाला है। इस पद में गंधोदक पृष्ठवाती हरे जो बताए हैं, ये जो बीज पद है वो कर्म नाशक है। जो भी इसमें बीज पद है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं, ये सब बीज पद कैसे है, कर्म नाशक है और सिद्ध्यान सिद्धि, आपके ध्यान की सिद्धि कराने वाले ऐसे परम योगेश्वर को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। रिद्धि की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं अरहम नमो आमोस ही पत्ताणम सोम सोम नमः स्वाहा। क्या बता रहे हैं, नमो आमोस ही पत्ताणम, ऐसे ऋषि जिनके चरण छूने से ही रोग ठीक हो जाते हैं, मात्र चरण छूने से रोग ठीक हो जाते हैं। ओम आपको पता है पंच परमेश्वर की, ह्रीं में 24 तीर्थंकर, अरम यानी जो हमारे अहंकार को, हमारे राग को, द्वेष को नष्ट करता है। नमो आमो सही पत्तानम, आमो सही यानी जिसका आमर्श औषधि, जिनों को नमस्कार किया है, कौन सी औषधि बन जाती है,
आमर्ष औषधि, यहाँ आठ प्रकार की औषधि का वर्णन है। तो आमर्ष औषधि जिनों को नमस्कार हो, जिनके आमर्ष अर्थात हाथ आदि का स्पर्श, आमर्ष आमर्ष यानी आम, आम यानी हाथ, तो जिनके हाथ आदि का स्पर्श औषधि पने को प्राप्त हो जाता है। स्पर्श थेरेपी होती है, पता है, वो सिर्फ स्पर्श करते हैं और रोग ठीक हो जाते हैं। आज भी है ये आज भी है, स्पर्श थेरेपी है ये, कि आमो सही पत्ता मन, आमर्ष आमर्ष यानी आम, और आम श, यदि आप इसका संधि विग्रह करोगे, आम प्लस स्पर्श, आम प्लस स्पर्श होता है, तो वो उनके हाथ मात्र छूने से औषधि बन जाती, हमारे रोग ठीक हो जाते हैं। ये जो थेरेपी है, देखो ये कितने कब की लिखी हुई है, और ये आज भी है ये स्पर्श थेरेपी। आपको कभी कुछ हो रहा है, आप अपने हाथों को प्यार से सहलाओ, आई लव यू बोलो, और इसको बस ऐसे स्पर्श करो आप, फिर देखो आप बस ये हाथों को ऐसे ऐसे स्पर्श करो, आपकी स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जिनके हाथों को स्पर्श करने मात्र से रोग दूर हो जाते हैं, उनके हाथ औषधि बन जाते हैं, औषधि पने को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात कैसे होते हैं वो, तप के प्रभाव से, उनने इतना तप किया है, इतना अघोर, पहले भी गए हमारे तप के, अघोर तपानम घोर गुणानम, अघोर तप किया है, जिनका स्पर्श औषध पने को प्राप्त हो जाता है मात्र उनकी तप से, उनके आमर्षदि जिन कहलाते हैं, और ऐसे आमर्षदि जिन, ऐसे रिद्धिधारी जिन, ऐसे रिद्धिधारी मुनि को इस रिद्धि में नमस्कार किया गया है। पूरा स्पर्श थेरेपी इसमें बता दिया है। ऐसे एक बाबा है ना, वो उनका क्या नाम है, महर्षि है क्या है, वो भी ऐसे सिर्फ छूते हैं, ऐसे पेशेंट को ऐसे छूते हैं और उनका रोग ठीक हो जाता है। तो हमने यहाँ पर श्लोक मंत्र रिद्धि का मीनिंग समझा, अब हम चलेंगे। मतलब दूसरे धर्मों में भी ऐसे साधु ऐसे योगी हैं अभी, जिन्होंने इतना तप किया है और अपने आप में थोड़ा सा उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। तो वो वेरियस, कल हमने रात में पढ़ाया था ट्रेनिंग में, कि वेरियस हीलिंग, अलग अलग प्रकार की हीलिंग है, सब धर्मों में, रिलीजियंस जितने भी है सब में अलग अलग प्रकार की वेरियस रिलीजियंस के जो है, कोई कोई भभूत से ठीक करता है, जो मुस्लिम लोग है अंगारा पे गिर के भभूत से, और जैसे क्रिश्चियन लोग है उनकी एक थेरेपी अलग चलती है, और हम लोग भी जो अभी कर रहे हैं थेरेपी, तो ये जो स्पिरिचुअलिटी जो है, ये सब धर्मों में अलग अलग टाइप से इसकी थेरेपी बताई हुई है। स्पर्श थेरेपी है, प्राणी हीलिंग है, रेकी है। महाराज जी लोगों की बहिया वृत्ति के लिए लोग मतलब रात रात भर परेशान रहते हैं कि मुझे बहिया वृत्ति करने को मिल जाए। लोग क्यों करते हैं साधु संतों की बहिया वृत्ति, कहते हमें साधु संतों की बहिया वृत्ति करना है, रात में चले महाराज जी के पास, शाम हुई और चले बहिया वृत्ति करने। उनके स्पर्श से उनके जो पावरफुल जो पार्टिकल्स है, उनके जो पावरफुल ऊर्जा है, वो जो परमाणु है, वो जो ऊर्जा है, वो हमारे अंदर आती है, क्योंकि उनका आभा मंडल तो बहुत बड़ा रहता है। हमारा आभा मंडल तो 8 फीट 10 फीट रहता है, लेकिन उनका आभा मंडल तो इतनी दूर तक रहता है ना, उनका जो भामंडल है, उनका जो ओरा है, वो बहुत दूर तक जाता है। तो वो जो परमाणु है, वो सुगंधित परमाणु, वो जो तप रूपी परमाणु, वो जो एनर्जेटिक परमाणु रहते हैं, वो उनकी बहिया वृत्ति करने से हमारे हाथ भी पवित्र हो जाते है। इसलिए लोग कहते हैं मुझे भैया बुद्धि के लिए जाना, मुझे भैया, महाराज जी करवा भी नहीं रहे फिर भी जाना है, छुलाते भी नहीं है महाराज जी अपने पैर, फिर भी हमें जाके मात्र ऐसे छू लेने से हमारी भैया वृत्ति हो गई, ऐसा समझ के लोग आ जाते हैं। महाराज जी करवाते भी नहीं है भैया वृत्ति तो भी। चलिए, चरण पखारने की कितनी बड़ी बड़ी बोली बोलियां लगती है कि महाराज जी के चरण पखार ले हम। हाँ चलिए, सोचिए आपके सामने देखिए, साक्षात आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, चित्र में देख रहे हो आप लोग, चित्र में भी है और यहाँ पे भी आपको दिखाएंगे। आदिनाथ भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे से सोचिए एक ऊर्जा निकल रही है, व्हाइट कलर की एनर्जी, क्योंकि हैंड और पैर दो चीज ऐसी है जहां से एनर्जी का प्रभाव होती रहता है निरंतर, तो वहां से एनर्जी निकल रही है व्हाइट कलर की। उस एनर्जी को अपने इंडोक्राइन ग्लैंड से पूरे नर्वस सिस्टम में डालना है, नर्वस सिस्टम में डालना है,
और पूरा नाड़ी तंत्र आपका सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। जितने भी आपके अंदर निगेटिविटी है, जितने भी विजातीय तत्व है, जितने भी विजातीय पदार्थ है, जितने भी कीटाणु है रोग रूपी, सारे बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इस प्रकार का चिंतन आपको करना है। और बहुत लेट आए, एक बार लगा नहीं, अब बहुत टाइम भी आगे भी तो देखो, टाइम भी देखो। तो हम सबसे पहले नौ बार नमोकार मंत्र चारों प्रकार के आहारों का त्याग करेंगे और नौ बार नमोकार मंत्र बोलेंगे। पहले बड़े बाबा की जाप, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरं नमः। नौ बार नमोकार मंत्र, सभी लोग चारों प्रकार के हारों का त्याग कर दीजिए। मंदार सुन नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्छायानं, नमो लोए सब्वसाहुणं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्छायानं, नमो लोए सब्वसाहुणं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायानं, नमो लोए सब्वसाहुणं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायानं, नमो लोए सब्वसाहुणं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायानं, नमो लोए सब्वसाहुणं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायानं, नमो लोए सब्वसाहुणं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायानं, नमो लोए सब्वसाहुणं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायानं, नमो लोए सब्वसाहुणं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायानं, नमो लोए सब्वसाहुणं। तीन बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास लेंगे 75% में ओ का उच्चारण, 25% में म का उच्चारण। आपको नाभि से अ निकालना है, नाभि से लंबी गहरी श्वास। ओ लंबी गहरी श्वास। ओ लंबी गहरी श्वास। ओ नौ बार श्लोक पढ़ेंगे। मंदार सुंदर मेरु सुपारी जात, संतान का देखो सुमोत्कर वृष्टि रुद्धा। गंधोद बिंदु सुब मंद मरुत्र पाता,
दिव्या दिवा पतति ते वत सांततिर्वम मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धम गंधोद बिंदु सुभ मंद मरु प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वच सांतति मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धम गंधोद बिंदु सुभ मंद मरु प्रपात दिव्या दिवा पतति ते वच सांतति मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु सुभ मंद मरु प्रपात मंदार सुंदर दिव्या दिवा पतति ते वच सांततिर्वा मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु सुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वच सांततिर्वा मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु सुभ मंद मरु प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वच सांततिर्वा मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु सुभ मंद मरु प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वच सांततिर्वा मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु सुभ मंद मरु प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वच सांततिर्वा मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु सुभ मंद मरु प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वच सांततिर्वा मंत्रजा सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि
परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं
ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः। रिद्धि
सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चरित्राय नमः। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा।
नमो आमो से पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो से पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो से पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो से पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो से पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो से पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो से पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो से पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ता नम झोम झोम नम स्वाहा। सम्यक दर्शनाय नम, सम्यक ज्ञानाय नम, सम्यक चारित्राय नम। लंबी गहरी श्वास। ओम
अज्ञानम नमो अज्ञानम नमो लोय सभ्य सावनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयानम नमो वज्जानम नमो लोय सभ्य सावनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयानम नमो वज्जानम नमो लोय सभ्य सावनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयानम नमो वज्जानम नमो लोय सभ्य सावनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयानम नमो वज्जानम नमो लोय सभ्य सावनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयानम नमो वज्जानम नमो लोय सभ्य सावनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयानम नमो वज्जानम नमो लोय सभ्य सावनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयानम नमो वज्जानम नमो लोय सभ्य सावनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयानम नमो वज्जानम नमो लोय सभ्य सावनम सुत्रस्तजं तव जिनेन्द्र गुणैणि बद्धां भक्तामयारिदवर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यहिह कंठ गतामजस्तं तन्मान तुंग पवसासमुपैति लक्ष्मी तन्मान तुंग मवसासमुपैति लक्ष्मी तन्मान तुंग मवसासमुपैति लक्ष्मी बोलिए आदिनाथ भगवान की जय बोलिए मान तुंग स्वामी की जय प्रतिक्रमण करेंगी रजनी जी प्रक्षाल कर लीजिए और इस जल को अपने पांचों भी चक्र में नाभि के ऊपर लगा लीजिए बच्चा जल तुलसी में डालना है एक भी बूंद नीचे ना गिरे इसका ध्यान रखें रजनी जी है रजनी जी प्रतिक्रमण चलिए रजनी जी है नहीं था वो दूसरा फोन है फिर उसने ये हेडफोन नहीं लगता तो मैं उसमें लगा बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी विनय जी संगम फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद भाव प्रतिक्रमण शुरू करते हैं हे अरहंत प्रभु हे अरहंत प्रभु हमेमी सर्व जीवा हमेमी सर्व जीवा सर्व जीवा खमंतु में सर्व जीवा खमंतु में इत्ती में सर्व भूयेषु इत्ती में सर्व भूयेषु वैरम मज्जन केणे वैरम मज्जन केणे पड़कों देव गुरु धर्म की जय हो विजय हो आपके श्री चरणों में सविनय अनंती बार अनंती बार अनंती बार सविनय अनंती बार अनंती बार अनंती बार वंदना करके आपकी शरण लेकर बोल रही हूँ पांच भारत पांच अरावत पांच महाविदेश जितने भी तीर्थंकर केवली गणधर आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं हुए थे हैं और होंगे
तथा उनके द्वारा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तप और संयम की आराधना की गई थी कर रहे हैं और करेंगे, साथ ही उन्होंने जो जिन शासन की भव्य प्रभावना की थी कर रहे हैं और करेंगे, उन सभी का देव गुरु धर्म की साक्षी से तीन करण और तीन योग से अनंती बार अनुमोदन करती हूँ। साथ ही निवेदन है कि जाने अनजाने में इस भाव में या पूर्व भाव में तीन करण और तीन योग से 18 प्रकार के पापों की जो सेवना मेरे द्वारा की गई थी उसके लिए देव गुरु धर्म के साक्षी से अनंती बार माफी मांगती हूँ। मेरे सभी अपराध क्षमा करें, यही आपसे अनंती बार प्रार्थना है। मेरी आत्मा सदा सर्वदा सर्वत्र धर्म ध्यान से जुड़ी रहे मोक्ष का रास्ता कभी न छूटे मैं आपकी शरण में हूँ मेरी सभी तरह से रक्षा करना आनंद मंगल करना यही आपसे अनंती बार प्रार्थना है। घर में परिवार में समाज में संघ में देश में विदेश में सभी जगह पर शांति संगठन और प्रेम का वातावरण बना रहे सभी स्वस्थ मस्त और प्रसन्नचित रहिए सभी की धर्म आराधना बनी रहे देश विदेश में जैन धर्म का खूब प्रचार प्रसार हो यही देवगुरु धर्म से अनंती बार प्रार्थना है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ मैं स्वस्थ हो चुका हूँ हे गुरुवर, आज का एक नया दिन इस नए अनुष्ठान के साथ हमें प्राप्त हुआ, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ओम नमः आरोग्यम देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। हमारे साथ आज पुष्पा जैन जी कोलकाता से जुड़ी हुई हैं। पुष्पा जैन कोलकाता दोनों लोग कर रहे हैं, बहुत धन्य स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके जवानी सुनते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या है। पुष्पा जैन जी कोलकाता, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ कर दीजिए।
आप पुष्पा जी आप अनम्यूट करिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए पुष्पा जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट आप आवाज अनम्यूट करिए, माइक को अनम्यूट करिए, वीडियो आपका अनम्यूट है, माइक अनम्यूट करिए, माइक को, माइक आवाज नहीं आ रही। देखिए वीडियो के बाजू में भी एक माइक बना है। हाँ बोलिए आंटी, हो गया, बोलिए दीदी। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। मेरी कल एक फ्रेंड है, मैं उससे बात कर रही थी मंजू जी बैठ करके, वो शायद आज जुड़ी नहीं है, तो उनको मैंने 3-4 दिन पहले ये बात बोली थी, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रमाण सागर जी का कर रही हूँ, लेकिन अब तुमने जो मेरे को लिंक भेजा उससे मेरे को 3 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे उनकी कैंसर है, तो बोलती कि 3 दिन से मेरी जो मेरे को अभी जो मेरे को ये लेना था मैंने कोई दवाई नहीं ली और यही कर रही हूँ मैं अभी। अच्छा बहुत बढ़िया। तो मैंने कल अर्चना जी का नंबर उनको दिया और रात में मैंने विनय जी से बात करी, विनय अंकल से बात करी मैं, तो वो आज जुड़ने वाली थी, हो सकता कोई कारण से नहीं जुड़ी हो, मैंने उनको कल लिंक भेजा। आप कब से कर रहे हैं? मैं 18 गाथा से स्टार्ट करी थी, उसके पहले मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब करना ही है मेरे को, 18वें से मैंने स्टार्ट किया, 18वें श्लोक से स्टार्ट किया मैंने। अच्छा। आप कैसा करते हैं पूरा सिस्टम, आपका पानी आनी रखा दिख रहा हाँ, है। हाँ मैंने आपकी जो कैसेट आई तो मैंने कैसेट में सुना कि भाई ऐसे किया जाता है, तो मेरे पास कोई यंत्र नहीं था, लेकिन पद्मावती माता का यंत्र था, तो मैंने कल पद्मावती माता का यंत्र रखा और उससे किया, मतलब कल मेरे को पूरा दिन इतना अच्छा लगा कि मैंने एक कैसेट सुन के पद्मावती माता का यंत्र रखा और यंत्र से मैंने पक्षाल करके पूरा किया मैंने कल, फिर वैसे ही जैसे आप बताए वैसे ही मैंने किया, बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बढ़िया। मेरी लड़की घर में रह रही है, तो उसकी ऑफिस भी घर में चल रही थी, तो उसको कोई प्रोजेक्ट था तो उसका कोई नहीं बन पा रहा था, तो मैंने कल वो मैंने जैसे उसको पानी उसको बोला कि तुम इसमें लगा लो अपने सब में, तो वो बोली मम्मी मेरे को अभी बहुत टेंशन हो रखा है काम का, मतलब तुम्हें पानी लगाओ तुम्हारा सारा काम अच्छा हो जाएगा। तो 2 बजे मेरे को दोपहर में बोलते कि मम्मी जो काम था वो मेरा बहुत लाइट हो गया, अब काम थोड़ा हो गया मेरा। अच्छा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया कि सुबह जल लगाए और 2 बजे होते होते तक जो काम नहीं हो रहा था वो हो गया। किसी चीज को शुद्ध करिए, उनके बुक्स पे डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा, बस नीचे ना गिरे ध्यान रखे, किसी की मेडिसिन चालू है तो मेडिसिन में स्प्रिंकल कर दीजिए, मेडिसिन को आप शांतों में रख सकते हैं ताकि आपकी मेडिसिन चार्ज हो जाए। जो हमारे अनुष्ठान सुबह हो रहे हैं आप अपनी मेडिसिन का डब्बा यहाँ रख लीजिए तो आपकी मेडिसिन पूरी चार्ज हो जाएगी। हाँ फिर उसको लीजिए तो उसका पावर बढ़ जाता है। हाँ जी चलिए, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। आज हमको इनका एक्सपीरियंस दिखाने का मतलब ये था कि जिस प्रकार जल रख के मंत्रित पानी ये बना रही है, उसी प्रकार बाकी लोगों से भी हमारा निवेदन है कि वो लोग भी वैसे ही विधि विधान से करके मंत्रित पानी बनाए और मंत्रित पानी का उपयोग करें, पिए अपने अपनी जगह में, जहां मैडम ने बता रहा है वैसे यूज करें, तो आपको सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। भाई साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं? भाई साहब बोलिए। जय जिंदर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मतलब ऐसे पढ़ता है तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता मेरा। अच्छा दोनों एक साथ ही बैठ रहे हैं 18 तारीख से? हाँ जी। हाँ तो देखिए जो पति पत्नी साथ में बैठकर पूजा करते हैं उनका तो पक्का रिजर्वेशन हो गया स्वर्ग का, पक्का। जो पति पत्नी बैठ के पूजा करते हैं साथ में, इंद्र इंद्राणी बने हैं वो तो उनका रिजर्वेशन हो चुका।
चलिए आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो भगवान भगवान का आशीर्वाद, हम लोग तो निमित्त हैं और आप माध्यम बने हुए हैं, और आपके लोगों के कारण हमारा भी पूजा पाठ और अच्छे से होता है। माध्यम आप है, माध्यम आप है ना, बस माध्यम बने हम, बाकी तो आदिनाथ भगवान की कृपा है। हमारे माध्यम आप बने, हम आपके माध्यम, आप हमारे माध्यम, ना, ना, बहुत बढ़िया। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप लोग हमसे जुड़े हैं, इसलिए सब इतना अच्छा सफल प्रोग्राम हो रहा है। और सब नीरज जी सुराना जी की मेहरबानी है, एक मिनट में एक्सेप्ट किया और दूसरे दिन शुरू हो गया। और ये स्काइप की सीरीज पहली बार हो रही है, नहीं तो लोग नौ नौ बार पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, हम लोग पूरा उसको मतलब एक कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक श्लोक लेंगे, अर्थ बताएंगे पूरा, 108 बार जाप पाठ करेंगे, ताकि लोगों को पता तो हो कि कैसे करना है। लोग जल्दी जल्दी बोल के खत्म करते हैं, अभी लोगों को दिख रहा है तो लोग उसको धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलेंगे, जैसा हम लोग बोल रहे हैं, और वैसे में ही हमारे टंग जो है ऊपर वाले प्लेनेट से टकराती है और हमारे सेल्स एक्टिवेट होते हैं। सेल्स का एक्टिवेट होना ही निरोगता की निशानी है, हम निरोग क्यों कैसे होंगे? जितने ज्यादा हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, उनके सेल्स जितने ज्यादा एक्टिवेट होंगे उतने ही हम निरोगी होंगे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नीरज जी, बहुत करेंगे मीटिंग को। नीरज सुराना दीदी जी, कल का श्लोक का बता दीजिए। हाँ, कल 34 नंबर श्लोक है, जो कि गर्भ रक्षा के लिए है। बार बार किसी के अवर्शन हो जाते हैं तो वो गर्भ रक्षा के लिए है। और कल भामंडल प्रातिहार्य रहेगा। भामंडल प्रतिहारे में हमारे भावों की संभाल कैसी होती है ये हम आपको कल बताएंगे, हम भाव कैसे हमारे उत्पन्न होते हैं। और पुष्पा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। रजनी जी को धन्यवाद, नीरज जी सुराना तथा संगम फाउंडेशन को, विनय कुमार जी जैन और सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, अगर ये गर्भ रक्षा के लिए है तो ये क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए भी है क्या? जिनके बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी हो सकता है क्या? 6 नंबर है ना बच्चों के लिए। अच्छा, वो सभी चीज के लिए। हाँ, बच्चों की सुरक्षा के लिए 6 नंबर है। 6 नंबर का कवच में बना ले और नवकार मंत्र का कवच बना ले। 34 नंबर ये प्रिवेंटिव अवर्शन के लिए है। बहुत बहुत ज्यादा लोगों के जब अवर्शन होते हैं तो गर्भ की रक्षा, हमारे घर में 15 शिशु की रक्षा के लिए है। जो लोग भी अपने रिलेटिव फ्रेंड सर्किल सभी जगह बता दें जिनको इस टाइप के प्रॉब्लम है, वो अवश्य जुड़े ताकि कल उनको इतनी अच्छी हीलिंग मिल सके। आप बोल दीजिए थोड़ा अच्छे से। कल का श्लोक गर्भ सुरक्षा के लिए है, तो किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो रोज नहीं भी जुड़ पाए तो कोई बात नहीं, कल जरूर जुड़े, क्योंकि दीदी स्वयं हीलिंग दे रही है। और इतने लोग जब सामूहिक हीलिंग होती है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अगर आपके परिवार में या कोई इष्ट मित्र संबंधी या किसी को भी ऐसी जानकारी हो आप लोगों को, तो आप उनको जरूर बताइए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। और लिंक दे दीजिए। हाँ, और मैं दीदी के लिए तो क्या बोलूं, दीदी और विनय जी के लिए, दोनों के लिए, कि कई लोग देखिए अपने लिए जीते हैं, हम सभी अपने लिए जीते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए समर्पित हैं, दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। तो मैं ऐसे सच में आप लोगों को जितना नमन करूं, जितना धन्यवाद दूं, उतना कम है। लेकिन ठीक है, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच आप लोग हैं, आप जैसे लोग अभी भी हैं हमारे बीच, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं सभी साधकों के प्रति, आज रजनी जी ने हमें भाव प्रतिक्रम करवाया, उनके प्रति, पुष्पा जी के प्रति और अनमोल जी के प्रति, उनके पूरे परिवार के प्रति जो सुबह हमें अभिषेक करवाते हैं, उनके प्रति, डॉक्टर रचना जी के प्रति, विनय जी के प्रति, सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के लिए हम विदा लेते हैं। सभी लोग लिंक को, सुबह वाली हीलिंग सेशन की लिंक को कम से कम 5-5 लोगों को सर्कुलेट करें, ये भी एक प्रकार की प्रभावना है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा रहेगा अंकल, आपने सही कहा, 5-10 अंकल ने 5 कहा, मैं तो ये बोलती हूँ कि आपके संपर्क में जो भी है उनको सिर्फ आप लिंक शेयर मत करिए, क्योंकि इतने लिंक आते हैं, आप उनको फोन करके बताइए कि हमें ये लाभ मिला है। आप
तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लिंक तो बहुत सारे लिंक हर दिन आजकल वेबिनार इतने प्रोग्राम आते हैं तो हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन मेरा हाँ अनुरोध है कि देखिए आपको फायदा मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को बोले कि इसमें आप लोग जुड़िए। तो ठीक है, आज के लिए हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी वक्त। जय जिनेंद्र।